Automatic frequency control circuit with push pull discriminator. देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो सर्किट की अरेंजमेंट होती है इसमें पुश पुल फेज डिस्क्रिमिनेटर होता है, जो सिंक पल्सेस होती हैं उनका इक्वल एम्पलीट्यूड होता है लेकिन पोलैरिटी अलग अलग होती है, इसी वजह से इसे पुश पुल बोला जाता है। ये इसमें क्या होगा, देखिए ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इसकी बेस की इनपुट पे सिंक पल्सेस आएंगी, सिंक सेपरेटर के थ्रू यहाँ पे सिंक पल्सेस आएंगी, ऊपर बी पॉजिटिव सप्लाई है, नीचे बी नेगेटिव सप्लाई होगी, ये ट्रांजिस्टर Q1 है। अब इसमें ये जो ट्रांजिस्टर है ये फेस स्प्लिटर की तरह वर्क करेगा और ये कनेक्टेड होता है कैपेसिटर सी, इसका जो कलेक्टर होगा कैपेसिटर C1 के थ्रू डायोड के साथ, डायोड 1 के साथ, और एमीटर जो होगा वो यहां से कनेक्टेड होगा कैपेसिटर C2 के थ्रू डायोड 2 के साथ, D2 के साथ, यानी कैपेसिटर C1 और C2 के थ्रू ये डायोड 1 और 2 से कनेक्टेड होते हैं। रजिस्टर R1 और रजिस्टर R2, ये वाले दोनों रजिस्टर, ये दोनों रेजिस्टर सेम वैल्यू के होते हैं और एक लोड रेजिस्टर की तरह एक्ट करते हैं दोनों डायोड के लिए, रेजिस्टर R1 D1 के लिए और रेजिस्टर R2 D2 के, डायोड 2 के लिए, ये यानी कि लोड रेजिस्टर की तरह वर्क करेंगे। जो डायोड होता है ये D1 और D2 दोनों डायोड्स, ये सिंक पल्सेस के ड्यूरेशन में वर्क करते हैं लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ ये फॉरवर्ड बायस होते हैं, लेकिन एक साथ सिमिटेनियसली ये फॉरवर्ड बायस होते हैं। और इसके अलावा रेजिस्टर R7 और R8 के थ्रू यहां से हमें मिलता है डीसी कंट्रोल वोल्टेज, यहां से डीसी कंट्रोल वोल्टेज आती है और यहां पे एक वाइंडिंग के थ्रू, जो कि वाइंडिंग होती है हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांसफॉर्मर की, इसके थ्रू फ्लाई बैक पल्सेस आती हैं। अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो V1 होगी, यहाँ जो वोल्टेज होगी वो V2 होगी, इनके बीच में जो वोल्टेज होगी वो VB वोल्टेज होगी, इनपुट से सिंक पल्सेस आती हैं, ये वाइंडिंग है हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांसफॉर्मर, इनके थ्रू फ्लाई बैक पल्सेस प्रोवाइड की जाती है। ये होती है हमारी फ्लाईबैक पल्सेस। इन पल्सेस को एक फिल्टर में से पास किया जाता है जिसमें रेजिस्टर R6 और C3 का कॉम्बिनेशन है। तो इनमें से जब इसको पास किया जाता है तो हमें एक सातुत वेवफॉर्म मिलती है कुछ इस तरह की। ये जो इसकी पोलैरिटी होगी जीरो से नीचे ये नेगेटिव में होगी और जीरो से ऊपर ये पॉजिटिव में होगी, कैसे आएगी, इक्वल और ऑपोजिट पोलैरिटी होती है और ये टोटल E2 के इक्वल होगी जो कि 8 वोल्ट होगी पीक टू पीक। अब इसमें देखिए ये हमारा इंटीग्रेटिंग नेटवर्क है जिसमें से फ्लाई बैक पल्सेस पास करने के बाद हमें सातुत पल्सेस मिली हैं। अब ये जो हमारा सर्किट है थ्री कंडीशंस में, तीन अलग अलग कंडीशंस में वर्क करता है, वो कंडीशंस देख लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ सातुत वोल्टेज ही प्रेजेंट हो हमारे सर्किट में, यानी जो सिंक पल्सेस हैं वो प्रेजेंट नहीं है, सिंक पल्सेस आ ही नहीं रही हैं, सिर्फ सातुत पल्सेस आ रही है हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांसफार्मर के थ्रू, तब क्या होता है। सेकंड कंडीशन कि सिर्फ सिंक पल्सेस ही प्रेजेंट हैं हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांसफार्मर से, फ्लाईबैक पल्सेस से, इंटीग्रेटर सर्किट से पास होकर सातुत पल्सेस नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ सिंक पल्सेस ही प्रेजेंट है, तब क्या होगा सर्किट में। और थर्ड कंडीशन है कि सिंक पल्सेस भी प्रेजेंट है और सातुत पल्सेस भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, तब क्या कंडीशन रहेगी। ये जो थर्ड पार्ट है ये अगेन थ्री पार्ट्स में डिवाइड है जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, आज के टॉपिक में हम फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कि जब हमारे पास सिर्फ सातुत वोल्टेज ही प्रेजेंट है, सिंक पल्सेस प्रेजेंट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ये हमारा सर्किट है जो कि हमने अब तक किया है। अगर हमारे सर्किट में इनपुट पे
सिंक पल्सेस प्रेजेंट नहीं है और हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांसफॉर्मर से फ्लाईबैक पल्सेस आ रही हैं और सातुत पल्सेस इंटीग्रेटिंग सर्किट के थ्रू सातुत पल्सेस प्रोड्यूस हो रही है, तब क्या होगा? यानी कि सिर्फ और सिर्फ सातुत वोल्टेज ही अप्लाई होगी हमारे सर्किट पे। तब देखिए दो कंडीशन आएगी। सबसे पहले डायोड वन कंडक्ट करेगा। कब कंडक्ट करेगा? जब भी नेगेटिव पोलैरिटी होगी, यानी कि नेगेटिव जो हाफ होगा सातुत साइकिल का, ये वाला नेगेटिव हाफ, इसमें रिवर्स में डायोड डी वन कंडक्ट करेगा। इसके अलावा पॉजिटिव हाफ में यहीं से ही डायोड डी टू कंडक्ट करेगा। इनपुट से कोई भी सिंक पल्स नहीं है, ये सिर्फ सातुत की वजह से हो रहा है। नेगेटिव में डी वन और पॉजिटिव में डी टू कंडक्ट करेगा पॉजिटिव हाफ में। और इस टाइम में कैपेसिटर C1 यहां से और कैपेसिटर C2 दोनों चार्ज करेंगे। दोनों चार्ज करेंगे किस अपनी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग, जो इनकी पोलैरिटी शो की गई है। और जब वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पे होगी, यानी कि जब वोल्टेज नेगेटिव से पास होके पॉजिटिव से पास होके अपनी पीक वैल्यू इस पॉइंट पे होगी, उस टाइम पे कैपेसिटर्स डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर C1 डिस्चार्ज करेगा, उसकी जो पोलैरिटी है वो देखते हैं। कैपेसिटर C1 जो कि डिस्चार्ज करेगा रेजिस्टर R3 से B पॉजिटिव पे जाएगा, B पॉजिटिव से यहाँ B नेगेटिव पे आएगा, B नेगेटिव से जाएगा ये R8 पे, रेजिस्टर R8 पे, यहाँ से B नेगेटिव से रेजिस्टर R8 पे, R7 पे, R7 से अगेन ये जाएगा VB की तरफ और R1 पे। इस तरह से ये कैपेसिटर की C1 की डिस्चार्जिंग की पाथ होगा। अब इस कैपेसिटर C2 भी डिस्चार्ज करेगा। कैपेसिटर C2 का डिस्चार्ज का पाथ क्या रहेगा? कैपेसिटर C2 यहां से डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा रेजिस्टर R2। कैपेसिटर C2 के लिए हमने ग्रीन कलर के एरोज लिए हुए हैं, रेजिस्टर R2 पे। R2 से जाएगा ये R7 पे, यानी कि रेजिस्टर R2 से गया R7 पे, R7 से R8 पे, R8 से B नेगेटिव, B नेगेटिव से ये जाएगा R4 की तरफ, ये वाला R4 की तरफ। ये कैपेसिटर C2 का डिस्चार्ज का पाथ रहेगा। अब इसमें देखिए कि जब कैपेसिटर C2 डिस्चार्ज होगा तो R2 का लोअर पार्ट यानी V2 वो राइज कर जाएगा और अबव ग्राउंड पोटेंशियल पे होगा, ठीक है ना? और ईस्ट यानी कि अबव ये वाला, और सेम R2 का अपर पार्ट जो कि V1 है, सॉरी R1 का अपर पार्ट जो कि V1 है, ये ग्राउंड पोलैरिटी से बिलो होगा क्योंकि रिवर्स में कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि रिवर्स में करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ये इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? क्योंकि ये तो है अपर पे और ये ग्राउंड से बिलो पे, तो V1 इज इक्वल टू V2 के होगी। कैसे? हाफ ऑफ E2 के। हाफ मतलब ये E2 है, हाफ में डायोड वन कंडक्ट कर रहा है, हाफ में डायोड टू कंडक्ट कर रहा है, तो हाफ ई टू के, जो कि हमने पीक टू पीक सातुत अप्लाई की है, ठीक है ना? इन इस ड्यूरेशन में कैपेसिटर डिस्चार्ज करेंगे और इन ड्यूरेशन में कैपेसिटर चार्ज करेंगे। अब इसमें ये देखिए रेजिस्टर आर एट के अक्रॉस दो इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रहा है। एक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक कैपेसिटर C1 का, एक कैपेसिटर C2 का रेजिस्टर R8 के अक्रॉस, यानी इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और इस टाइम पे जो नेट वोल्टेज होगी R8 के अक्रॉस इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से, नेट वोल्टेज जीरो हो जाएगी क्योंकि इक्वल और ऑपोजिट है इसलिए। और जो भी हमारे यहाँ पे
पॉजिटिव और नेगेटिव पीक में करंट फ्लो होगा, साथ वो डी टू और सी टू और सी वन और डी वन के रिस्पेक्ट में होगा, यानी इन दोनों के रिस्पेक्ट में और इन दोनों के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि जब सिर्फ सात उत वोल्टेज ही अप्लाई की गई है तब क्या होगा। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं कि जब सिर्फ और सिर्फ सिंक पल्सेस ही प्रेजेंट है, सात उत पल्स प्रेजेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ सिंक पल्सेस यहां पे प्रेजेंट है लेकिन ये प्रेजेंट नहीं है, जो सात उत वेवफॉर्म है हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांसफार्मर से कोई भी वेवफॉर्म नहीं आ रही है, तो इस टाइम पे क्या होगा। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये फेस स्प्लिटर की तरह वर्क करता है। फेस स्प्लिटर में जो पॉजिटिव गोइंग सिंक पल्स होगी वो कपल होगी कलेक्टर पे सिंक स्प्लिटर के थ्रू और कलेक्टर से जाएगी कैपेसिटर C1 पे और C1 से जाएगी डायोड 1 के एनोड पे, और उसी टाइम पे एक नेगेटिव गोइंग सिंक पल्स कपल होगी C2 पे, पॉजिटिव C1 पे नेगेटिव C2 पे, क्योंकि ये फेस स्प्लिटर है, फेस को स्प्लिट करेगा। तो नेगेटिव गोइंग सिंक पल्स जो कि कपल होगी C2 से डायोड 2 पे, तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा। करंट कैसे फ्लो होगा, C1 से फ्लो होगा करंट, C1 से डायोड 1 और डायोड 2 दोनों कंडक्ट करेंगे, C1 से जाएगा डायोड 1 पे, डायोड 1 से डायोड 2 पे, डायोड 2 से C2 पे, C2 से रेजिस्टर R4, ये है रेजिस्टर R4, रेजिस्टर R4 से B नेगेटिव, ये B नेगेटिव की तरफ, और B नेगेटिव से फिर B पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, B पॉजिटिव से रेजिस्टर R3, ये करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन रहेगी। और इस टाइम पे कैपेसिटर C1 और कैपेसिटर C2 चार्ज करेंगे पीक वैल्यू तक, सिंक पल्स के पीक वैल्यू तक। इसमें क्या होगा कि जब भी सिंक पल्सिस का इंटरवल आएगा ड्यूरिंग द टाइम बिटवीन सिंक पल्स, तो कैपेसिटर C1 क्या होगा, डिस्चार्ज करेगा इंटरवल के ड्यूरेशन में। अब कैपेसिटर C1 किस तरह से डिस्चार्ज करेगा, कैपेसिटर C1 डिस्चार्ज करेगा रेजिस्टर R3 पे, यहां से कैपेसिटर C1 से रेजिस्टर R3, R3 से B पॉजिटिव, B पॉजिटिव से यहां B नेगेटिव से R8, R7 और यहां से BB से R1, ये इसके ग्रीन कलर के जो एरोज हैं वो शो किए गए हैं, यानी कि C1, R3, B पॉजिटिव, फिर B नेगेटिव, R8, R7 और R1, ये इसकी डिस्चार्ज की पाथ रहेगी। और अब कैपेसिटर 2 भी डिस्चार्ज करेगा, कैपेसिटर 2 देखिए इसमें क्या है, सेम टाइम में जब कैपेसिटर C2 डिस्चार्ज करेगा तो उसका पाथ रहेगा रेजिस्टर, यहां से रेजिस्टर R2, ये ऑरेंज कलर के जो एरो शो किए गए हैं, R7, R7 से R8, R8 से B नेगेटिव, R4, ये कैपेसिटर 2 का डिस्चार्ज पाथ रहेगा। अब इसमें भी क्या हो रहा है, दो इक्वल और ऑपोजिट वोल्टेज जनरेट हो रही हैं, और इसमें क्योंकि कैपेसिटर इक्वली क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं रेजिस्टर R8 के अक्रॉस, और इक्वल और ऑपोजिट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, जो करंट डेवलप हो रहा है रेजिस्टर R8 के अक्रॉस, तो ये जहां पे जो वोल्टेज होगी वो फिर कैंसल आउट हो जाएगी एक दूसरे के साथ, और जो नेट वोल्टेज होगी रेजिस्टर R7 और R8 के अक्रॉस वो फिर से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जो VB पॉइंट है वो भी जीरो होएगी, जीरो रहेगी। इस पॉइंट पे क्या होगा, ग्राउंड पोटेंशियल रहेगा
और जो V1 और V2 है, यानी कि ये V1 और V2, इनकी पोलैरिटी से जो डायोड्स हैं उस टाइम में रिवर्स बायस रहेंगे। किस टाइम में? जो सिंक पल्सिस का बीच का इंटरवल होता है उस ड्यूरेशन में दोनों डायोड्स रिवर्स बायस रहेंगे, कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसकी दूसरी कंडीशन है कि जब सिर्फ सिंक पल्सिस प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल जो हमारी फ्लाईबैक पल्सिस हैं हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांसफार्मर से, वो प्रेजेंट नहीं है। अब हमने इसके दो पार्ट किए हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट जो कि सिंक पल्सिस और सातुत पल्स दोनों प्रेजेंट है वो करेंगे, लेकिन ये भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।